तकरीबन एक डेढ़ घंटा दूर है अपने ट्रैक से, कुछ वैसे प्लाटूज दिखने वाले जैसे वो सामने दिख रहे हैं। That's how it's going to look like. गर्मी काफी बढ़ती जा रही है ना गिपी? Yes, much. लग रहा है इस गर्मी में चढ़ पाएगा? देखते हैं, पानी साथ लेके घूमें, पानी की बॉटल। एक्चुअली यार मतलब मैं तो यही सोच रहा था हम लोग इतना अनप्रिपेयर्ड आ गए कि ना हमने पानी की बॉटल्स कैरी की है, ना कुछ पीने को, ना सनस्क्रीन, मतलब नथिंग। तो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एडवेंचर आई गेस। इज इट एडवेंचर और इज इट क्रेजी एडवेंचर? क्रेजी एडवेंचर। रोड पे तुम्हारे को पूरी एडवेंचरस मिल रही है, थार है तो भाई एडवेंचर ऑन पीक, एड्रेनलिन ऑन द हाईएस्ट। थार है तो बनता है बॉस, थार है तो डेफिनेटली बनता है। पर यार हमारी इंडियन रोड्स की क्या बुरी गत हो रखी है यार। एवरी टाइम व्हेनेवर यू ड्राइव अ गुड कार ना, तो अगर आपकी गाड़ी के शॉकअप्स अच्छे नहीं है, सस्पेंशन अच्छा नहीं है, तो मतलब पप 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 बैंड बन जाएगा गाड़ी के अंदर। तो नसीब अच्छी की थार है, थार है तभी बचे हुए हैं, बाकी अभी पीछे वाले परेशान होने वाले हैं क्योंकि हम उड़ा रहे हैं ढेर सारी धूल, क्योंकि अपनी गाड़ी तो फुल ऑफ रोडर है, हम एक साइड पैच लेके भी निकल सकते हैं। सो डिफिकल्ट फॉर द पीपल जिनकी गाड़ी में सस्पेंशन अच्छा ना हो, और यार गलती से हम अपनी दूसरी वाली ले आए फिर तो बैंड बच जाएगी यार, वो तो पाप है पाप। हमें 10 की स्पीड पे चलानी पड़ेगी उसको। 10 मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्ट्रेचेस के लिए तो उन सब गाड़ियों के लिए क्रेन अलग से लेके घूमनी चाहिए। हाँ। ग्लोरी की जैसी ऐसे कोई पैच आए तो जैसे वो धूम फिल्म आई थी ना फर्स्ट टाइम, तो चोरी करते थे और हाईवे पे ही बाइक चला रहे थे लॉरी के अंदर, तो वैसे हम लोगों को क्या करना है, जहाँ स्ट्रेच मिला वहाँ गाड़ी उतारी भगाई, फिर 2 किलोमीटर के अंदर लॉरी में चढ़ाई चढ़ा के उसको बोला आराम से लेके आ जाओ। वाओ इट्स नॉट अ बैड आईडिया, वी कैन डू दैट। माय गॉड, फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि बाप रे गलत कौन है, वो जो सड़क नहीं बना रहे या वो जिनको सड़कों की कोई परवाह ही नहीं, हम जहाँ से निकलेंगे वहीं सड़क बना देंगे, अब हमारा रास्ता खुद बनाएंगे, हम खुद बनाते हैं। चलो सही है, फिलहाल तो यार 777 आया हुआ आगे, इन्हें हॉर्न देके बोलते हैं द यूनिवर्स इज आल्सो विद अस। यस, द यूनिवर्स हैज टू बी, नेचर में जा रहे हैं तो यूनिवर्स का मजा तो आएगा ही। बिल्कुल, ये जगह थोड़ी देखी देखी सी क्यों लग रही है? बिजू कौन सी जगह है ये? अमरनाथ के आगे आ रहे हैं हम लोग। तो जहाँ हमने वो मस्त नजरों शूट किया था वो नहीं, वो नहीं नहीं वो करजत साइड। अच्छा वो अलग जाएगा? yes. वो अलग स्ट्रेच है। तो माथेरान के लिए कौन सा स्ट्रेच जाता है? माथेरान के लिए भी ये जाता है, बट माथेरान राइट में चला गया। अच्छा, माथेरान राइट में चला गया। हाँ, बट वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं है? वहाँ पे भी है, उधर भी ट्रैक है, माथेरान में भी ट्रैकिंग स्पॉट। अरे वाह, आई थिंक नेक्स्ट स्पॉट हमारे लिए माथेरान होना चाहिए। बट आई थिंक फॉर नाउ गर्मी देख के तो बस मुझे ये लग रहा है कि भाई चढ़ेंगे कैसे। बट अभी मैंने चढ़ना नहीं है, ये ट्रैक बोल रहा है कि अभी कुछ हल्की सी बारिश होने वाली है, इसका मतलब है सन पे क्लाउड आएगी। तो That's what it says, 777, universe with us. देखो जहाँ पे हर चीज के अंदर में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। फायदा ये है कि मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन नुकसान बारिश होगी तो बताओ क्या नहीं उड़ेगा? धूल। यही इंसान चाहिए था, मतलब और वो भी बोल कौन रहा है, हमारा टेक्निकल इंसान बोल रहा है कि बारिश अगर होगी तो क्या क्या नहीं उड़ेगी? धूल। तुम हो धूल, भूल रहे हो, क्योंकि हमारे पास में जो धूल उड़ाने की मशीन है जिससे तुम शूट करते हो बेटा। वाओ वाओ विजू, आई लव यू, आगे पेट्रोल पंप तो एक ही जगह एक ही बारी पे रुकेंगे ना? डबल 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 नहीं यार, ऑफ रोडिंग ट्रैक मांगा था तेरे से, ये वाला ऑफ रोडिंग ट्रैक नहीं मांगा था यार। आपने बोला तो ऑफ रोडिंग करा दूं, करा दिया यार। थोड़ा या तो प्रॉपर नेचर में लेके जाना, रॉ आई थिंक राइट साइड यार, व्हाट अ प्लेटू, वो साइड पे जो दिख रहा है उसका मतलब स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, उसका लैंडस्केप देख रहा, मतलब इट्स सो ग्रीन एंड येट इट्स, यस एग्जैक्टली। एक और अच्छी चीज में इस समय पता है क्या होती है, क्योंकि बारिश इतनी होती है तो यू नो बारिश जैसी होती है तो ये सारे पहाड़ ग्रीन हो जाते हैं, अदरवाइज यू विल ऑलवेज सी देम डार्क जेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। और अभी आते आते धीरे धीरे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो ये पतझड़ में बदल जाएगा एंड इट विल बी ऑल ब्राउन, और हम कभी फिर वापस किसी एक नए ट्रैक की तरफ जाएंगे। दिस इज ऑन आर हाईवे तो हम इसे ज़रूर कवर करके आपको दिखाएंगे। बट डू यू लाइक इट दिस वे, ग्रीन और ब्राउन? बिकॉज आई डोंट इवन माइंड इट ब्राउन। और ये हमारे पास आ रहे हैं एक फने खां, इनको मैं कवर करना चाहूंगा अपने हाथों से। ये देखिए,
दिस इज द इंडियन एडवेंचर, ये है असली एडवेंचर ऑन व्हील्स, जो आप देख सकते हो कि एक साइड से गाड़ी इतनी मुश्किल से जा रही है और दूसरी तरफ इन भाई साहब ने अपना बसेरा बसा दिया है। अब बताइए इन दोनों में से गलत कौन, ट्रक वाला या ऑटो वाला, ये जनता डिसाइड करेगी और जनता इस समय हमें सबको देख रही है। चल रहे मेरे दिमाग में उस ऑटो वाले के लिए कुछ नेक विचार। कभी कभी गलती गलती से कर लेता मेरा भी। अब कौन आ रहा है, एक और फन्ने का, एक नहीं दो फन्ने का राइट मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ना ये राइट उतार के वहीं से चले जाना चाहिए, क्योंकि जितनी अपने को राइट ही जाना है, वो हवा के लिए भी जाना है। पेट्रोल पंप इधर से उतरेगी? नहीं आगे से थोड़ी, ये यहाँ से ना। नहीं इतना एडवेंचर स्पोर्ट नहीं है मेरे में भाई कि मैं अपनी गाड़ी खुदवा दूं तुम लोगों को एड्रेनलिन देने के लिए। हाँ एडवेंचर ऑन पीक, लेट्स हेड टू फ्यूल स्टेशन, मेरा कार रिफ्यूल, क्योंकि इसके आगे मुझे मुश्किल लग रहा है। खाना पीना तो इन्होंने ऑलरेडी डेडलाइन दे दी है मुझे कि भाई अब आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो जो कैरी करना है वो आप अभी यहीं से कैरी कर लीजिए। तो हमें रस्ते के लिए कुछ मिले पिज्जा। एक समस्या है अभी, अभी भी हवा भरने के लिए रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे हवा वाला हो रहा, तो हवा वाला भी और पंचर वाला भी है। मांगने में ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, ये तो फिर भी टायर में सिर्फ हवा भरने वाला है। और हवा से याद आया, अगर आपको भी हवा खानी है तो 2 मिनट के लिए आप गाड़ी से बाहर प्रस्थान कर सकते हैं।